गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। 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 गुड इवनिंग। जाए yes. लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सॉलिड चार्ज सॉलिड स्फीयर मतलब हॉलो स्फीयर का हो गया था। यस सर। हॉलो स्फीयर का भी हो गया था। सॉलिड स्फीयर का सर उसके बाहर का पॉइंट का हो गया था। अच्छा सॉलिड स्फीयर के अंदर का पॉइंट का नहीं हुआ था यही ना? यस सर। चलिए तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज था ना? यस सर। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। चलिए ध्यान दीजिए लास्ट क्लास में इसमें टोटल चार्ज क्या दिए थे? चार्ज दिए थे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिए थे? क्या दिए? चार्ज दिए थे। क्यू चार्ज दिए? क्यू चार्ज दिए थे। अब ध्यान से देखिए ये सॉलिड स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है और रेडियस क्या ले लेना है? आर। आर क्या करेंगे कि हमको अंदर एक पॉइंट पी है मान लीजिए स्मॉल आर डिस्टेंस पे, वहां पे क्या जानने का मन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस किस शेप का होना चाहिए? गॉसियन सरफेस स्फेरिकल। स्फेरिकल। स्फेरिकल होना चाहिए। और कहां से पास करना चाहिए उस स्फीयर को? जहां पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गॉसियन सरफेस के हर जगह फील्ड किधर होगा? कॉमन सेंस। रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड होगा ना ऐसे? यस सर। इन चीजों में किसी को कोई डाउट नहीं है इस लॉजिक में? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. अब अगला काम क्या करेंगे? मुझे गॉस लॉ का स्टेटमेंट पता है। E डॉट डी एस
पूरे सरफेस पे, कौन से सरफेस पे? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पे क्या निकल के आना चाहिए? क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। अच्छा, इस गॉसियन सरफेस पे सिमेट्री से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो औकात होगा, जो स्ट्रेंथ होगा, वो क्या होगा? इक्वल, सेम, सेम होगा। ई डॉट हट जाएगा, डीएस, और फिर कॉस कितना लिखे? जीरो डिग्री, कॉस जीरो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऐसे है ना, हर जगह ऐसे है ना नॉर्मल। यस सर, यस। ये कर दिए बराबर, क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए ई बाहर आ जाएगा, कॉस जीरो वन है, तो सिर्फ किस पे समेशन बचेगा? डीएस का, डीएस। छोटा छोटा ये जो सरफेस एरिया है ना, गॉसियन सरफेस पे जो सरफेस एरिया, इसको जोड़ते चले जाएगा तो क्या मिलेगा? तो स्फीयर का सरफेस, सरफेस एरिया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? क्यू एनक्लोज्ड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया। यस, मतलब डिस्टेंस आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, गौर से अगर आप देखिए तो कैसा है, के इनटू क्यू एनक्लोज बाय आर स्क्वायर है कि नहीं, देखिए तो गौर से। यस यस सर, ऐसा लग रहा है मानो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो पा रहा है? अंदर वाले, अंदर वाले चार्ज। ऐसा लग रहा है, मतलब हुआ ये होगा ना कि बाकी चार्जेस की वजह से भी फील्ड आया होगा, लेकिन सब जोड़ घटाव करके क्या हो गया होगा? जीरो। हाँ, ये लॉजिक समझ आ रहा सबको आराम से? ध्यान दे। यस सर। ठीक है, चलिए तो ये हुआ। अब मुझे क्या निकालना बाकी है? क्यू एनक्लोज्ड। तो क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा बताइए? पूरे पूरा वॉल्यूम में कितना चार्ज एनक्लोज था? पूरा वॉल्यूम में कितना चार्ज था? कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। तो इतना वॉल्यूम में कितना होगा? मतलब आप ऐसे बोलिए कि सर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू वॉल्यूम में कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? इतना होगा। यस सर। तो इतना का वॉल्यूम क्या होगा? गॉसियन सरफेस के अंदर कितना वॉल्यूम इनटू क्यू कर देंगे बाय 3 पाई। इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज है? इतना है, इतना है कि नहीं है? यस सर, यस सर। अरे यूनिटरी मेथड चल रहा है बचपन में जो किए हैं, इतना में इतना चार्ज, इतना में इतना, इतना में कितना। देखिए कट कूट के क्या बचा है? क्यू आर क्यू बाय कैपिटल आया। यही हो गया किसका वैल्यू? क्यू इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड। इसको यहां रख दीजिए, रखिए और बताइए क्या वैल्यू आया? ये आया k क्यू r बाय कैपिटल r का क्यूब। ये आया कि नहीं? यस सर, यस। दिख रहा है सबको? यस सर। सर कैपिटल आर क्या नहीं दिख रहा? अच्छा आप सर कैपिटल आर कहाँ? कैपिटल आर कैपिटल आर देखिए ध्यान से सुनिएगा एक मिनट। आपको हम फिर से ये फील्ड का एक्सप्रेशन यहां देखिए, यहां लिख रहा के क्यू एनक्लोज्ड ये है डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा? के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यू बचेगा ना? इसमें क्या दिक्कत है बताइए? सर कैपिटल आर के सर कैपिटल आर स्मॉल आर है ना महादेव? यहां देखिए क्यू एनक्लोज्ड क्या है, ये क्यू एनक्लोज्ड यहां रखे हैं बाबू, यहां ये q enclosed है, यहां रख दिए divided by small r square, तो कितना आएगा? small r square से divide कर दिए तो कितना आएगा? q
KQR by capital R Q. तो क्या दिक्कत है, कहां डाउट हो गया? ये फील्ड इसमें कोई डाउट है ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहां पे, एट अ डिस्टेंस R, R R from the center C. और ये R को क्या होना चाहिए, ये कब तक रिजल्ट वैलिड है, जब R small R less than equal to क्या होना चाहिए, कैपिटल R, कैपिटल सर समझ गए, हाँ। और अगर हम बाहरी किसी पॉइंट पे फील्ड जाना चाहे, मान लीजिए हमको यहाँ मन है फील्ड जाने का यहाँ, तो तब हमको क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस कहाँ से होते हुए गुजर बनाना होगा, पी से होते हुए, क्लियर है? यस जो हरकत यहाँ की है वही हरकत आप बाहर कीजिएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे E dot ds अब क्यू एनक्लोज कितना होगा, अब तो पूरा पूरा जो इस पे कैपिटल क्यू फंसा हुआ था सब एनक्लोज हो गया है ना, यस सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना फॉर आर ग्रेटर देन आर, ये समझ में आया ये रिजल्ट, यस सर, यस सर, यस, हाँ इसको लिख लीजिए पहले, एक्सक्यूज मी सर, सर एक्चुअली 8 बजे से एक स्कूल में स्कूल का एक्स्ट्रा क्लास है, तो सर उससे पहले छोड़ दीजिएगा ना, तो छोड़ ही देंगे 7:50 तक छोड़ देंगे, टेंशन मत लीजिए, ऐसे कौन सा स्कूल है जो 8 बजे एक्स्ट्रा क्लास लेने का नाटक कर रहा है, डीपीएस कौन सा सब्जेक्ट सर, इंग्लिश, हाँ सर इंग्लिश, इंग्लिश सर टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, हाँ उस स्कूल में यही नौटंकी ज्यादा होता है, वहां पे हर लोग अलग ही टसन में रहता है, नहीं सर हम लोग फिजिक्स मैथ नहीं करते हैं, चलिए मिटा दें, ये मिटा दें, यस सर, नो सर, तो इतना देर से क्या कर रहा था नालायक, नो सर बोला कौन, अभी ज्वाइन किया है क्या, हम एक अजूबा चीज क्या देखे कि बच्चा क्लास करता है मैक्सिमम, बहुत मैक्सिमम जाता है तो 65, 60, 62 बहुत जाता है तो जनरली, जब हम अटेंडेंस मिलाते हैं तो देखते हैं कि 80 का अटेंडेंस है, 85 का अटेंडेंस है, बताइए कहाँ ऐसा मिलता है, सर आप ओटीपी ग्रुप में भेज देते हैं, इस बार ग्रुप में है क्या, नो सर, नो, बस समझ जाइए बीच में बस 2-3 मिनट के लिए एक्टिवेट करेंगे, जो क्लास में होंगे वही अटेंडेंस बनाएंगे, उसका उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, समझ गए कि नहीं, यस सर, यस सर, क्या कीजिएगा, मेरे अंदर कभी बदमाश जो शैतान इंसान है वो कभी कभी जग जाता है, मिटा दें, यस सर, चलिए हमने अभी किसका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का किया ना,
यस सर। अब देखिए और भी तरह तरह का वैरायटी है आपके लिए सवाल है। मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड क्लियर, रेडियस कैपिटल आर। इस पूरे सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं। देखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कैसा दे रहे हैं सो देखिए, दिखाई दिया? यस सर। मतलब क्या हुआ कि मतलब सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाइएगा, एक छोटा सा वॉल्यूम लीजिएगा तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना दिखाई देगा? एआर। अच्छा एक और मजेदार बात देखिए कि कौन सा सिमेट्री फॉलो कर रहा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन? रेडियल सिमेट्री। रेडियल क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर दूरी के चारों तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखाई देगा? यूनिफॉर्म। एक पर्टिकुलर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देगा कि नहीं एक पर्टिकुलर दूरी पे चार्ज? यस। तो ये सब दिख रहा है। क्वेश्चन है कि स्मॉल आर दूरी पे मान लीजिए पॉइंट पी है, वहां पे हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझ में आया सबको? यस सर। और हमको दोनों सिचुएशन के लिए चाहिए, फॉर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर एंड फॉर आर ग्रेटर। दोनों सिचुएशन के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। बनाइए, 2 मिनट का समय है। वो बढ़ गया। हाँ बाबू 53 से 54 हो गया। इतना देर देखिए, इतना भी लंबा सवाल नहीं था ये सर। सर क्यों इनक्लोज निकाल रहे, उसमें टाइम लग रहा है। अच्छा ठीक है निकालिए, 1 मिनट और है बस। देखिए इतना तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है रेडियल सिमेट्री फॉलो कर रहा है, किसका पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो भी होगा किस डायरेक्शन में होगा? रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।
अब दूसरा स्टेप गॉस लॉ का एक्सप्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाय इन ऑल एप्सिलॉन नॉट ई हर जगह एक पर्टिकुलर दूरी पे हर जगह सिमेट्री से सेम होना चाहिए कि नहीं एक पर्टिकुलर दूरी यस सर यस सर यस क्योंकि अभी भी चार्ज जो है किस सिमेट्री को फॉलो कर रहा है रेडियल रेडियस ई डी एस का समेशन पूरे सरफेस पे क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ई को कहां ले आएंगे बाहर बाहर क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट अब इस तरह का छोटा छोटा जो यहाँ पे सरफेस मिलेगा ये इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा सरफेस एरिया ये हो गया कहानी यस सर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया क्यू एनक्लोज्ड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर दैट इज के इनटू क्यू एनक्लोज्ड बाय आर स्क्वायर यस सर Yes, sir, अब अगला कहानी क्या होगा क्या निकालना है क्यू इनक्लोज्ड फिर से एक मजेदार बात आप देखिए माने कि चार्ज थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लेकिन किस सिमेट्री को फॉलो कर रहा है रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री इवन देन पॉइंट पी पे जो फील्ड आएगा वो देखिए कितना आया है के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्म का आया है के क्यू बाई आर स्क्वायर Yes, sir. Yes, sir. बस Q के बदले कौन सा Q लिखना चाहिए Q enclosed. Q enclosed. लेकिन अभी भी KQ by R square फॉलो कर रहा है इधर तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है रीजन है कि चार्ज अभी किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है रेडियल रेडियल ये सब बात समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताइए Yes, sir. Yes. शिवम नालायक आया है कि नहीं चलिए ठीक है अरे देखिए 53 था पहले 55 हो गया दूगो बढ़ गया ये तीसरा बढ़ गया सब मित्र लोग को आप लोग इन्फॉर्मेशन दिए क्या नहीं सर कुछ गद्दार लोग होते हैं मोल इन द होल वो सब धीरे धीरे पकड़ाते हैं नहीं पर पकड़ाने के बाद क्या होता है उनका हर्ष क्यू एनक्लोज्ड चाहिए क्यू एनक्लोज्ड क्या करेंगे क्यू एनक्लोज्ड के लिए सो देखिए अंदर में कितना चार्ज फंसा हुआ है तो एक काम कीजिए सेंटर सी को सेंटर मानते हुए एक एक्स रेडियस का पतला सा स्फेरिकल शेल बनाइए ठीक है ये बात समझ आया सबको Yes, sir. Yes. X distance पे एक पतला सा शेल बनाए जिसका थिकनेस क्या है dx बताइए तो x डिस्टेंस पे चारों तरफ कितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिखाई देगा x डिस्टेंस पे चारों तरफ ax a into r के बदले x x मतलब चारों तरफ इतना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिखाई देगा और यहां पतला सा इस पट्टी का वॉल्यूम कितना होगा इस पतला सा शेडेड पट्टी का वॉल्यूम सो 4 पाई x स्क्वायर dx मतलब स्फीयर का सरफेस एरिया इनटू थिकनेस यही ना होगा यस सर यस सर सरफेस एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम गुने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या देता है इस पतला सा पट्टी में कितना चार्ज फंसा हुआ है पर ऐसा ऐसा चार्ज कहां से कहां तक हमको जोड़ना है जब x कहां से कहां तक होगा जीरो से लेके आर तक जीरो से लेके कौन से आर तक स्मॉल आर नहीं यस सर ये चीज करते चले जाएंगे तो हमको पूरा चार्ज जो फंसा हुआ है गॉसियन सरफेस के अंदर मिल जाएगा यानी ये क्यू एनक्लोज्ड यही हुआ 4 पाई ए एक्स क्यूब डीएक्स हुआ कि नहीं यस सर यस तो कितना हो गया ये 4 पाई ए टू द एक्स टू द पावर 4 पाई ए r टू द पावर 4 r की पावर 4 क्लियर है यस सर यस यही वाला चीज कहां डाल देंगे क्यू एनक्लोज्ड क्यू एनक्लोज्ड समझ में आया यस सर
k के बदले क्या लिख दीजिएगा कैपिटल k के बदले 1 by 4 pi epsilon naught क्या बचा a r square by 4 epsilon naught क्लियर है यस सर पूरा मेथड सबको समझ में आया कि नहीं यस सर सर ये रिजल्ट को याद रखना है कि वैसा कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है नहीं ये सब रिजल्ट मत याद रखिए जहां पे हम वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की थी है लेकिन जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट था जैसे लास्ट वाला क्या आया यस अंदर वाला हाँ वो सब याद रखिए जैसे यहाँ पे कैपिटल क्यू रखे थे ना सॉलिड स्फीयर पे कैपिटल क्यू पे यस सर वो सब वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट कितना आया था जब कैपिटल क्यू फैलाए थे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था अच्छा नहीं मिटाए Yes, sir. आप लोग करते क्या इतना इतना समय देते हैं तो समझा रहे होते तो सुन रहे होते हैं ना सर अच्छा कहानी सुन रहे होते हैं अच्छा चलिए अब देखिए ये तो हम इनसाइड पॉइंट के लिए निकाले ना बाबू तो ये जो फील्ड का एक्सप्रेशन है ये कब तक वैलिड है जब तक पॉइंट अंदर लेस देन इक्वल टू और अगर हम बाहरी पॉइंट्स का चर्चा करते हैं तो हमको क्या करना होता है अब यहाँ ध्यान दीजिए पर बाहरी पॉइंट्स यहाँ तक सेम रहता कि नहीं एनालिसिस यस सर यस सर बस अंतर कहाँ पड़ता क्यू इनक्लोज्ड में क्यू इनक्लोज्ड में जब पिछला बार यहाँ तक का चार्ज चाहिए था तो आप जीरो से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट किए जब आप बाहर पहुंच जाएंगे तो कहां से कहां तक जोड़ना होगा चार्ज को जीरो से कैपिटल आर जीरो से कैपिटल आर समझ में आया तो ये तो हो गया ये अब अगला स्टेप होगा फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर अब लिख लिए है ना सारे बच्चे ये सब यस यस सर यस सर यहाँ पे जीरो से क्या करने जा रहे हैं कैपिटल आर ये क्या आएगा ये क्या आएगा ये आएगा यस सर Yes. ये यहां रखाएगा yes. कितना रखाएगा क्यू एनक्लोज्ड के बदले वो रखिएगा तो ए कैपिटल आर की पावर 4 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये कब के लिए रिजल्ट है ये समझ में आ गया वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पाई ए स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर पाई पाई कट के यही यही ना आएगा यस सर तो आप सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बता ही तो दिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होगा और ये होगा ठीक है लिखिए जल्दी इसको सवाल अगला सवाल देते हैं लिख लिए चल
वही सॉलिड स्फीयर है, रेडियस कैपिटल आर है, लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखिए कैसे वैरी कर रहा है। समझ में आया? Yeah. सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इस तरह से वैरी कर रहा है। सॉलिड स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर कोई चार्ज नहीं, नहीं है, नो चार्ज आउटसाइड स्फीयर। क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे होंगे, फिर से क्या क्वेश्चन होगा बताइए। तो पहला क्वेश्चन, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फंक्शन ऑफ आर चाहिए, जहां पे आर दोनों हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। दूसरा सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? कहीं पे, कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू आया होगा ना, कहीं ना कहीं पे। यस सर। क्या होगा? तीसरा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कहां पे, किस दूरी पे आएगा, सेंटर से कितने दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है। ये तीन सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया? यस। आया ना क्वेश्चन? यस। थोड़ा दिमाग पहला चीज तो आसान है ना बाबू, पहला yes, में वही कर रहा है। क्या करेंगे स्मॉल आर डिस्टेंस पे जहां पे फील्ड चाहिए, क्या करेंगे वहां पे, क्या बनाएंगे आंसर? अब तो आदत में आ जाना चाहिए यहाँ पे हर जगह। बताइए कौन सा सिमेट्री फॉलो हो रहा है चार्ज का? रेडियल, रेडियल सिमेट्री। ये है इस तरह से फील्ड होगा, क्या लगाएंगे? गॉस। ई डी एस कॉस जीरो क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, वही राम कहानी फिर से E into 4 by R square. E का वैल्यू कितना आ गया? ये आया? Yes. फिर से ग्राम का नहीं, वही क्या निकालना बाकी है? Q into Q enclosed। कैसे निकाले Q enclosed? तो फिर से एक छोटा सा डिस्क स्फीयर बना लेंगे। हाँ तो बनाएंगे तो आप स्पीड पढ़ा, हम ये सब सवाल इसलिए दे रहे हैं कि आपका स्पीड से भी मतलब रखता है एग्जाम में। बहुत बार क्या होता है एग्जाम में आप 8 मिनट लगाएंगे, कोई आपका कंप्यूटर 3 मिनट 4 मिनट में बना के निकलेगा। दैट शुड बी देयर इन माइंड। तो क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस से जाके क्या करेंगे, एक पतला सा dx thickness का क्या लेंगे, spherical spherical shell shell,
इस सेल में, इस सेल के अंदर कितना चार्ज प्राप्त है, इस सेल पे कितना चार्ज मिलेगा, तो x डिस्टेंस पे कितना होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा x डिस्टेंस पे, स्मॉल r के बदले क्या लिखेगा, x, ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एट दिस लोकेशन, और यहां पे कितना वॉल्यूम है इस पतला से पट्टी में, 4 pi x square dx है कि नहीं है, यस सर, सरफेस एरिया गुणे थिकनेस, अब ये हो गया चार्ज इस सेल पे, और ऐसे ऐसे चार्ज कहां से कहां तक हमको जोड़ते चले जाना है, जीरो से लेके आर आर, ये हो गया q enclosed, तो थोड़ा जो कांस्टेंट है उसको बाहर लाइए, 4 pi rho naught, अंदर में जीरो से स्मॉल आर x square minus x cube by capital R dx. Is it clear? Yes. बताइए x square का integration क्या होता है? X cube by 3. X cube by और x cube का integration क्या होता है? x 4 by पता है कि नहीं, जीरो से कहां तक, क्लियर हो गया, ये बात क्लियर yes. है यस यस सर, सारा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना जहां तक हम लिखे हैं, यस सर यस सर यस सर, तो अब बस यही q enclosed को जो हम लाए हैं वो यहां रखने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, q enclosed पूरा पूरा रखिए तो 4 पाई रो नॉट r क्यूब को भी आप डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, तो क्या बचेगा अंदर में, r / 3 माइनस आर स्क्वायर बाई फोर कैपिटल आर पाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी फोर पाई कट गया तो कितना बचा, रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, आर बाई थ्री माइनस आर स्क्वायर बाई फोर आर आया कि नहीं, yes. ये फील आया ना, ये कब कब के लिए वैलिड है, फॉर आर लेस देन इक्वल टू आर कैपिटल आर, और अब किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, नो सर, देख लीजिए आराम से, ये है आर लेस देन आर के लिए, अब अगर हमको बाहर चाहिए होगा फील्ड तो क्या करेंगे, यही एक्सप्रेशन है बस, किसका आंसर किसका एक्सप्रेशन बदल जाएगा, यहाँ पे बस जब पूरा चार्ज चाहिए होगा तो जीरो से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, अगर बाहर के लिए करना है तो कैपिटल कैपिटल आर, जीरो से कैपिटल आर करिएगा तो बस जहां जहां स्मॉल आर होगा वहां क्या बन जाएगा, कैपिटल कैपिटल आर, तो क्यू एनक्लोज्ड के वैल्यू के बदले होगा 4 पाई रो नॉट कैपिटल आर क्यू बाई 3 माइनस, यहाँ कैपिटल आर रखिएगा तो बनेगा कैपिटल आर की पावर 4 बाई 4 आर की पावर 3 बाई 4 क्योंकि एक आर कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई 4 पाई कट गया तो क्या निकल क्या है, रो नॉट बाय आर स्क्वायर, रो नॉट नहीं नहीं यहां से देखिए कैपिटल आर बाई 3 बाई 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये दिखाई दिया, यस सर क्लियर है, सर एक बार वापस बता दीजिए ना, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, कहां से बताना है बताइए सर, क्यू निकाल रहे थे ना उसके बाद, क्यों कहां से, ये हाँ सर उस वहीं से फिर डिस्कनेक्ट हो गया,
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये है इसमें कोई डाउट? नहीं सर। और एक्स डिस्टेंस पे हम पतला सा एक सेल बनाए हैं, तो इस सेल के अंदर कितना चार्ज होगा? तो वहां का चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गुने उस सेल का क्या? उस सेल का क्या है? सेल का सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस क्या देता है? सेल का वॉल्यूम देता है कि नहीं? तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गुने वॉल्यूम, यानी शॉर्ट में ये क्वांटिटी क्या है? इस सेल में कितना चार्ज होगा वही है ना? हाँ सर। उसी को जोड़ते चले गए जीरो से कहां तक? और तो स्मॉल आर तक, तो हमको सीधे उसका तो इंटीग्रेशन है, उसका सीधे हमको क्या भेज गया? चार्ज पर यूनिट, नहीं पर यूनिट टोटल चार्ज इंक्लोज ना बाबू। हाँ सर। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अरे भैया पर यूनिट वॉल्यूम अगर कुछ चार्ज है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा चार्ज मिलता है ना? ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। चार्ज एनक्लोज्ड आ गया, बस वही चार्ज एनक्लोज्ड का वैल्यू यहां रख दिए, ये वैल्यू आया। हाँ सर। ठीक है ना? अब बाहर अगर कभी फील्ड चाहिए होगा तो फिर चार्ज एनक्लोज्ड का वैल्यू जब निकालना होगा तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना होगा? जीरो से कैपिटल आर, कैपिटल आर तक। हाँ बस, तो यहाँ स्मॉल आर को बदले कैपिटल आर कर दिए। अब ठीक है? यस सर। तो कैपिटल आर स्पेयर का रेडियस है ना? हाँ बाबू। उसके बाहर चार्ज, उसके बाहर चार्ज, उसके बाहर कोई चार्ज है? स्पेयर के बाहर नो चार्ज। नहीं सर। अब समझ में आया सब कुछ? यस सर। एक और क्वेश्चन था इसमें, सर हो गया तो एक ही पार्ट बना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? मैक्सिमम पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगा, मतलब किस दूरी पे आएगा और उस मैक्सिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या है? आंसर बताए? हाँ बताइए सर। 2r/3 पे आएगा और रो नॉट r/9 एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ ये आप सही बोले। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, एकदम सही। अब ध्यान दीजिए क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सरफेस पे फील्ड का वैल्यू क्या है? सरफेस पे स्मॉल आर के बदले क्या डालिएगा? कैपिटल आर। कैपिटल ऊपर डाल लीजिए या नीचे? सरफेस पे दोनों तरफ से, तो बाहर से देखिए या अंदर से देखिए, सरफेस पे फील्ड का वैल्यू आएगा ना फील्ड का, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कैपिटल आर डालिए ना, तो कितना वैल्यू आया? रो नॉट कैपिटल आर बाय 12 आर एप्सिलॉन नॉट आएगा। रो नॉट कैपिटल आर बाय 12 एप्सिलॉन नॉट आएगा। यस सर। यहां पे भी देख लीजिए, स्मॉल आर के बदले क्या डालिएगा? कैपिटल आर। तो क्या आएगा? रो नॉट स्मॉल आर बाय 12 एप्सिलॉन नॉट आएगा। यस सर। सरफेस से दूर जाइए, जैसे से दूर जाइएगा तो स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? जैसे से दूर जाइएगा तो स्मॉल आर का वैल्यू, सरफेस से जब दूर जाइएगा तो स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? सब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और डिनोमिनेटर का क्वांटिटी बढ़ता है तो पूरा वैल्यू घटता है कि बढ़ता है? घट जाता है। मतलब इतना क्लियर है कि सरफेस से जैसे से दूर जाइएगा फील्ड का वैल्यू क्या होगा? घटता जाएगा। मतलब ये क्लियर है कि मैक्सिमम फील्ड का वैल्यू सरफेस के बाहर नहीं बल्कि सरफेस के अंदर कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। यस सर। यस सर। ये लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो हमको जो खोजना है कि कौन से दूरी पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा फील्ड का, वो अंदर कहीं होगा, तो हमको कौन सा एक्सप्रेशन मदद करेगा? ये दूसरा क्यों पहला वाला? सर पहला वाला, ये वाला दूसरा एक्सप्रेशन की पहला वाला, ये वाला पहला वाला ना? यस सर। अच्छा
ये रहा फील्ड का एक्सप्रेशन, हमको इसी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि नहीं मैक्सिमम? नहीं यस। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहे हैं। कोई भी फंक्शन आप पढ़े हुए हैं, कोई भी मान लीजिए वाई एक फंक्शन है एक्स का, तो वाई अपना मैक्सिमम या मिनिमम कब लेता है? जब dy by dx 0 हो जाता है, dy by dx equal to 0 होता है कि नहीं? यस सर। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सच में मैक्सिमम वैल्यू लिया है कहीं पे, तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, कौन सा वेरिएबल है आर? सर r, ये क्या हो जाना चाहिए? 0 यस सर। इसे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर बाई थ्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/3। और स्मॉल आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट रहने दीजिए। ये क्लियर है डिफरेंशिएशन? यस सर। यस सर। इट शुड बी इक्वल टू 0। किसको 0 होना होगा? 1/3 माइनस देखिए अंदर वाला क्वांटिटी r बाई टू कैपिटल r, तो 0 होना होगा। इससे क्या पता चला, स्मॉल आर का कौन सा वैल्यू आया? 2r/3। देखिए अब तुरंत मत बोल दीजिए कि सर इतने ही दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, हो सकता है वहां पे कौन सा वैल्यू हो? मिनिमम वैल्यू। तो ये भी देखना जरूरी है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। मिनिमम है, लेकिन कम से कम इतना पता चला कि जो भी मैक्सिमम या मिनिमम होने जा रहा है वो 2r/3 पे होगा। Yes, क्या मैं बाकी चीज मिटाओ, ये नीचे जो चीज है सब मिटा देना? Yes, sir. अब यहां ध्यान दीजिए, 2r/3। अब फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो कहां कहां जीरो हुआ है, तो एक ही जगह जीरो हुआ है, दैट इज यही ना? यस सर। यस सर। बताइए तो जब स्मॉल आर की वैल्यू 2/3 कैपिटल आर होगा, उस समय dE/dr का वैल्यू क्या हुआ है? 0। और अगर स्मॉल आर का वैल्यू 2/3 कैपिटल आर से बड़ा हो जाए तो dE/dr पॉजिटिव होता कि नेगेटिव होता? ये क्वांटिटी भैया, अगर स्मॉल आर का वैल्यू 2r/3 से बड़ा होता, 2r/3 से, तो ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव होता कि नेगेटिव हो जाता? नेगेटिव। और अगर स्मॉल आर का वैल्यू 2r/3 से छोटा होता तो पूरा फंक्शन क्या हो जाता? पूरा इंटीग्रल। यानी आपने बोला कि dE/dr जो है ग्रेटर देन जीरो है अगर आर लेस देन क्या है, ये dE/dr इक्वल टू 0 है अगर आर ग्रेटर देन है, आर इक्वल टू क्या है, और dE/dr लेस देन 0 है अगर आर ग्रेटर देन 2r/3 है, ये चीज दिख रहा है नंबर लाइन पे? वही चीज दिखाइए, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, बताइए तो जहां कहीं dE/dr पॉजिटिव होता है वो क्या बताता है? कि r के बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, भैया अगर dy/dx पॉजिटिव होता है तो क्या बताता है, x के बढ़ने पे y क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा यही होता है। अरे भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर पॉजिटिव है का मतलब क्या होता है कि dx पॉजिटिव है तो dy को भी क्या होना होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी x के बढ़ने पे y क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो भैया यहाँ पे अगर r बढ़ेगा, r के बढ़ने पे फील्ड क्या होना चाहिए अगर dE/dr पॉजिटिव है, तो r के बढ़ने पे फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए यानी r के बढ़ने पे फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा, बढ़ते जा रहा। कहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो आया है, कहां पे? 2r/2r पे। तो वहां पे स्लोप क्या बनेगा, वहां पे ग्राफ का स्लोप क्या बनेगा? मैक्सिमम। अरे यहां पे मैक्सिमा है। अच्छा यहां पे देखिए 2r/3
को क्रॉस करेंगे तो डी बाई डी आर क्या है, डी बाई डी आर, इसका मतलब आर के बढ़ने पे फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर, आर के बढ़ने पे फील्ड घटेगा। डी बाई डी आर निगेटिव होने का मतलब होता है कि आर बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा, घटेगा। तो मतलब इस तरह का लमसम सा ग्राफ बनाए हैं तो साफ दिख रहा है कि 2R by 3 पे फील्ड जो है मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है कि मिनिमम वैल्यू ले रहा है। यहाँ देखे तो ग्राफ से मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, मैक्सिमम। अब जाके आप श्योर हुए हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड का वैल्यू हो रहा है और उस मैक्सिमम फील्ड का वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, तो बस स्मॉल आर के बदले क्या डाल दीजिए यहाँ पे 2R by 3। E max बराबर rho naught by epsilon naught 2R by 3 डालिए ना, 2R by 9 हो गया माइनस क्या हो गया 4R square by 36 R, यही ना? Yes. कितना हो गया कट कुटा कितना है rho naught r by 9 epsilon naught आया। कितना क्वेश्चन बना इस सेट में? से तीन। ये एनालिसिस समझ में आया कि नहीं, ये वाला एनालिसिस? अच्छा सर, उसके जगह हम लोग उसका डबल डिफरेंशिएशन भी तो कर सकते थे ना। देखिए डबल डिफरेंशिएशन हमेशा कारगर साबित नहीं होता, नहीं होता, और ये वाला मेथड ऑलवेज कारगर से, मतलब ये कभी धोखा नहीं देगा, नहीं देगा। समझ में आया? यस सर। और बहुत बार तो ऐसा होगा कि डबल डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन काफी लेंदी भी आ जाता है बहुत बार, इस बार तो बच गए बहुत बार, तब क्या कीजिएगा? ज्यादा अच्छा टेक्निक कौन है? ये वाला नंबर लाइन। आगे बढ़े, इसको लिखिए, पहले लिखिए, एक मिनट का समय दे देना। Other side. सुन लीजिए, जे बैच वाले और आर बैच वाले हम क्या देने जा रहे हैं अभी? OTP। 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 कितने देर के लिए एक्टिवेटेड हम, कि उसके बाद हम उसको डिजेबल कर देंगे, ठीक है? 5 मिनट। 5 मिनट। तो दोस्ती यारी से ज्यादा अपना बना लीजिएगा, ठीक है ना? यस सर। जे बैच वालों का OTP है 4353। क्या है? 4353। फोर थ्री यानी 43 53 4353, ठीक है? जे का सब लोग सुन लिए? यस सर। ऐप में नहीं शो कर रहा। यस सर। 4353 सर ऐप में शो नहीं कर रहा है, देखते हैं। और आर बैच का है 10228, ठीक है? 10228 जे का और आर का। अब हम देखते हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं है बाबू, देखते हैं आपका ऐप का। हो गया सर, आर बैच का हो गया। यस सर। तो जे बैच का
जे बैच का 4353 ही दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है सर, वहां ओटीपी बनाया है, नहीं दिखा रहा है, नहीं आ रहा, नहीं दिखा रहा है सर। यहाँ फिर से खोल के देख लिए हैं, ओटीपी एक्टिव 4353 ही दिखा रहा है, ठीक है सर। अटेंडेंस शो नहीं कर रहा है हिस्ट्री में, चलिए तो बनाने का ऑप्शन नहीं, हम ही ले लेते हैं ना, लंबा समय लगेगा। सर फिर से करना होगा, फिर से एक बना देते हैं, ठीक है। यस सर, फिर दो आ जाएगा तो हाँ, दो बार हो जाएगा तो ना, ना उसको डीएक्टिवेट कर दिए ना, आर बैच वाले आपका हम डीएक्टिवेट करने जा रहे हैं, ठीक है सर, बट कर दिए हाँ, ये अटेंडेंस दे दिए आप लोग, दे दिए ना, हम आर बच्चों को बोल रहे हैं, आर बैच वालों को हम उनका डीएक्टिवेट करने जा रहे हैं, कर देना। यस सर, यस सर, हाँ वही 1028 डीएक्टिवेट ओटीपी अटेंडेंस। कर दिए हैं सारे लोग, बना लिए थे ना सर, आर बैच के बच्चे बना लिए थे ना बाबू सर। यस सर, यस सर, बस हाँ, जे बैच को हम दे दे रहे हैं एक नया, तब ना आराम से घर पे फोन जाएगा बाबूजी के यहाँ कि देखिए आपका बच्चा जो है ना इतना दिन तक टीचर लोग को एकदम बेवकूफ बना रहा है, नहीं? हाँ सर, हमारे जमाने का और आपके जमाने का एक डिफरेंस बताएं क्या है मेजर, हमारे समय में ना टीचर बोल देते थे ना कि आपका बच्चा टाइमली क्लास नहीं कर रहा है, तो बिना पता किए कि सच में करता था कि नहीं, हम लोग को पहले चार लप्पर लगता था, समझे, कि काहे नहीं क्लास किया है, उसके बाद हम लोग का बात सुना जाता है। आजकल क्या है बताइए तो सर, अभी बंक करते थे, बंक करते थे आप, अभी आपसे बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, आप कीजिए तो 4353, समझे, जे बैच वाले। yes. सर मेरा ओटीपी नहीं बना था आर बैच में, सर मेरा ओटीपी नहीं बना था, मैं वापस एनेबल कर, कोई बात नहीं बैठे रहिए, हम पूछे थे ना उस समय, खोल ही रहा था इसलिए, तो हम पूछे थे कि नहीं, हम पूछे थे कि नहीं ये बताइए सर, अभी भी नहीं शो कर रहा जे बैच पर, सर अभी नहीं आ शो कर रहा जे बैच में, हम तो फिर से एक्टिवेट कर दिए, अंत में आपका नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सक्सेसफुल चलिए आ रहा है लेकिन हिस्ट्री में नहीं आ रहा है, 10-15 मिनट बाद फिर से ट्राई कर लीजिएगा या फिर लास्ट। आर बैच वाले, अब आपका बाबू जिसका डीएक्टिव, आपका जिसका नहीं बना है ना, बाद में हम कभी मत करेगा एक्टिवेट कर देंगे, हम जब पूछ रहे थे तो क्यों नहीं बनाया, जरूरी इसलिए है ना बाबू, इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमको भी कोई शौक नहीं है 5 मिनट बर्बाद करने का, ये जरूरी इसलिए है कि हम बताते हैं होता क्या है, लास्ट ईयर का भी अनुभव, जो पहले फिटजी में थे उस समय का भी अनुभव, एक बच्चा ऐसा था
जो ढाई महीने से क्लास नहीं आ रहा था, समझे, फिटजी का अनुभव बता रहा है जब हम लोग फिटजी में थे, ढाई महीने से उसका अटेंडेंस प्रॉक्सी से कोई उसका दोस्त मार देता था, समझे, उसके बाबूजी को लग रहा था कि मेरा बच्चा तो एकदम होनहार है, शरीफ है, श्रवण कुमार है, नहीं समझे, तो कहे नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा, उल्टे आके टीचर से ही उनके गार्जियन क्या कर लिए, बहस बहस झगड़ा लड़ाई, कहे नहीं, एक हमारा जमाना था कि हम लोग मार खाते थे, एक आज का जमाना है, यही वजह है कि आजकल के बच्चे जो है ना बर्बाद हो रहे हैं। सर वहां पे कैसे अटेंडेंस होता था? वहां पे तो उस समय तो आप कोविड नहीं ना था भाई, तो ऑफलाइन था, तो एक सीट बटता था क्लास में, सबको साइन करना होता था, तो दोस्तों का साइन सब कर देता था, नहीं समझे? यस सर। ये स्थिति है, ये तो कक्षा सवाल भाग करेंगे, कितना लकी था वो लोग, ऑफलाइन क्लास करता था, लकी तो था। ये क्या है? हेलो, स्फीयर। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, हॉलो स्फीयर के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर आर डिस्टेंस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है? ए बाय आर। मतलब स्मॉल आर डिस्टेंस पे छोटा सा एक वॉल्यूम लीजिएगा, तो उस पे जो भी चार्ज होगा उस चार्ज को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना दिखाई देगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना मिलेगा यहाँ, ए बाय आर। क्लियर है? लेकिन ये एक्सप्रेशन कब तक वैलिड है? जब तक स्मॉल आर क्या है, ग्रेटर देन आर। ग्रेटर देन आर, ध्यान से सुनिएगा, अंदर में कुछ नहीं है और इस बॉल के सरफेस पे, ये जो हॉलो स्फीयर है ना, इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, क्यू चार्ज, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और साथ में स्फेरिकल सरफेस के बाहर इतना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। सर वो बाहर वाला नहीं समझे, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बाहर ये हुआ कि बाहर जो है ना, इस बाउंड्री के बाहर हर जगह स्पेस में, नहीं समझे, हर जगह यहाँ 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 हर जगह यहाँ हर जगह, समझ आ रहा है, और यहाँ 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 हर जगह चारों तरफ स्पेस में क्या है, क्या है बताइए, क्या है? चार्ज। चार्ज, चार्ज। अब फीलिंग आ रहा है? यस सर। और वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है स्मॉल आर डिस्टेंस पे? ए बाय आर। ए बाय आर। क्वेश्चन है कि हम कितना चार्ज को स्फीयर के बाउंड्री पे रख दें, कितना कैपिटल चार्ज क्यू रख दें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना चार्ज को कर दें डिस्ट्रीब्यूट कि बाउंड्री के बाहर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाए, फाइंड द चार्ज कैपिटल क्यू दैट शुड बी यूनिफॉर्मली distributed, find the charge capital Q that should be uniformly distributed over the spherical boundary such that the net electric field outside the boundary, बाउंड्री समझ रहे ना बार बार, कौन सा बाउंड्री, यस, बिकम्स क्या हो जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बाउंड्री क्या हो जाए, बिकम्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए।
सर वो पी पॉइंट क्या दी हाँ वो पी पॉइंट वो फिगर वो और ये कैसे सिखा रहे हैं कि ये जो चार्ज जो ए बाय आर है ना ये बाहरी पॉइंट्स के लिए वैलिड है हमको मतलब हम ये बता रहे थे कि इस बाउंड्री के बाहर कहीं पे भी जाइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए कांस्टेंट तो ऐसा हो इसके लिए हम कितना चार्ज को इस बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूट करें कैपिटल क्यू एक तो पहले से चार्ज है ही चारों तरफ हम बाउंड्री पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें ये आपसे पूछा जा रहा है ठीक है yes. अभिनव कुमार झा अभिनव नमन आदर्श उपाध्याय सर आप ओटीपी दिए नहीं हम सीधे पूछ रहे हैं नेम कॉलिंग पूछ रहे हैं कि आप लोग हैं अभिनव कुमार झा अभिनव नमन आदर्श उपाध्याय अदिति प्रिय अदिति प्रिया आदित्य आनंद आदित्य अरमान यस सर आदित्य कुमार स्टूडेंट आईडी 1549 नो सर आदित्य कुमार 932 स्टूडेंट आईडी आदित्य पांडे आदित्य रंजन राव यस सर अंजलि अंकित कुमार सर जी बैच हाँ 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 यस सर अंकित कुमार घोक अनुष्का यस सर आर्ची अर्पिता यस सर आयुष कुमार सर यस कौन सा एक 1559 और 1221 दोनों हैं सर 1221 चलिए आयुष कुमार शिवम 1412 सर यस सर
चौधरी हर्षित रावत प्रेजेंट सर. हर्ष कुमार. हर्ष सिन्हा. यस सर. हिमानी. यस सर. कबीर आचार्य. कबीर आचार्य एब्सेंट. मनीष कुमार साह. मेधा गुप्ता. यस सर. मीनाक्षी. यस सर. मोहित. मृदुल. यस सर. यस सर. नजीर. यस सर. नीलेश. नीलेश सर. ओम प्रियांशु. यस. ओम प्रियांशु नयन. यस सर. पीयूष गुप्ता. यस सर. सूर्यवंशी. प्रियांक सूर्यवंशी. यस सर. पुनीता किरार. रविंद्रनाथ ठाकुर. यस सर. रोहन साहू. यस सर. रोशन कुमार. रोशन कुमार. सौम्य आर्यन. यस सर. शिवम होटा. यस सर. शिवम शर्मा. यस सर. श्रेष्ठ श्रीवास्तव. श्रेया सिंह. श्रेया सिंह. सौम्य कुमार. यस सर. स्तुति पांडे. सुभाजीत मंडल. यस सर. सुधांशु. यस सर. सनी सिंह. यस सर. तरुण कतारुका. तथागत. तेजस. उज्जवल. उज्जवल रंजन और उज्जवल कुमार. यस सर. अरे दोनों उज्जवल में से एक उज्जवल कुमार का आवाज आया. उज्जवल रंजन नहीं है सर क्लास में. उत्कर्ष राज. वर्षा मौर्य. प्रेजेंट सर. वेदांत वर्मा. यस सर. विशाल कुमार. यस सर. विवेक कुमार. यस सर. यशस्वी. यस सर. सर सौम्य कुमार प्रेजेंट थे सर. सौम्य कुमार. सौम्य आर्यन ना. सौम्य कुमार आपका प्रेजेंट किए हुए हैं. सौम्य कुमार आपका प्रेजेंट किए हुए हैं सर. मेरा सर श्रेष्ठ श्रीवास्तव. हाँ हाँ आपका भी कर दिए श्रेष्ठ. सर मृदुल मोहित कुमार. हाँ भाई मृदुल मोहित सबको प्रेजेंट है. इतना मेमोरी है. सर मेरा आदित्य अरमान. आदित्य अरमान सर. आदित्य अरमान. एक मिनट. आदित्य अरमान हाँ प्रेजेंट है. ओके सर. पता नहीं क्यों आपका जे बैच वाला क्यों इस तरह से कुछ नहीं दिखा रहा है. बीच में एक बार और देखिएगा खोल के. ये आंसर बता देना. देखिए सवाल तो है सिंपल ही. सबसे पहला काम क्या करेंगे क्या बनाएंगे. गॉसियन सरफेस. बाहर गॉसियन सरफेस बनाए. ठीक है पहला चीज. चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी तो किधर होगा. रेडियली आउटवर्ड. अगला स्टेप अब सीधे सीधे लिख दे. E into क्या करेंगे. 4 pi r square. ये दूरी मान लीजिए ये small r है. E into 4 pi
R square बराबर Q enclosed by epsilon naught. ध्यान दीजिएगा. E का वैल्यू कितना हो गया? 1 by 4 pi epsilon naught R square into Q enclosed हुआ. Yes sir. अब हमको क्या दिक्कत दे रहा है? कौन सा एक्सप्रेशन दिक्कत दे रहा है? क्यू इनक्लोज्ड. क्या करेंगे क्यू इनक्लोज्ड के लिए? इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन सा चार्ज इनक्लोज्ड है? एक तो ये कैपिटल क्यू है. यस सर. देखिए क्यू इनक्लोज्ड बराबर कैपिटल क्यू प्लस. अब बताइए तो सरफेस से लेके बाउंड्री तक, यहाँ तक सरफेस से लेके ये गॉसियन सरफेस के बाउंड्री तक भी तो चार्ज है ना? यस सर. इनफैक्ट बाहर भी चार्ज है तो हमको भी इतना सही मतलब है. तो क्या करेंगे यहाँ पे कितना चार्ज है कि बीच वाला रीजन में कितना चार्ज है? तो आप बोले थे फिर कैसे निकालेंगे? एक्स डिस्टेंस पे जाके क्या करेंगे? स्फेरिकल सेल बनाएंगे. सेल बनाएंगे कितना रेडियस का बनाएंगे ये सेल? एक्स. कितना थिकनेस होना चाहिए? dx dx एक मिनट रुकिए लाइट. दिखाई दे रहा बोर्ड? यस सर. यस सर. अब ध्यान दीजिए x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का शेल लिए, इस पट्टी में कितना चार्ज मिलेगा? इस पट्टी में a by 4 pi. x डिस्टेंस पे कितना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का? a by r. यस सर. हां यस सर. इतना ये हुआ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. किससे मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज निकालने के लिए? सर उसका वॉल्यूम से. कितना वॉल्यूम है यहाँ पे? सर 4 पाई x स्क्वायर. 4 पाई x स्क्वायर dx. dx और इनफैक्ट x डिस्टेंस पे कितना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा? a by r की a by x. a by x और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? ऐसा ऐसा चार्ज कहां से कहां तक मिलेगा? ऐसा ऐसा चार्ज कैपिटल r से लेके स्मॉल r तक. कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर मिलेगा भैया. ये है कैपिटल आर. ये कैपिटल आर से लेके यहां से लेके यहां तक मिलेगा क्या? यस. तो कितना आया? क्यू प्लस 4 पाई ए बाहर आ गया एक्स स्क्वायर बटा एक्स. एक्स बचेगा एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जीरो कैपिटल आर से स्मॉल आर. कितना आएगा ये? क्यू प्लस 4 पाई ए x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 कैपिटल R से स्मॉल R तक. ठीक रहा ये सब? यस सर. अब क्या कर देंगे? q प्लस 4 पाई ए और 2 को बाहर लाइए तो 2 पाई बन जाएगा. क्या बन जाएगा? स्मॉल R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. लिखिए अब आपका काम क्यू एनक्लोज्ड का हो गया ना? यस सर. अगला काम करेंगे. इसमें भी डिफरेंशिएट ही करना होगा ना? ना ना आपका ऐसे दिमाग रहेगा तो ऐसे भी हो जाएगा बिना डिफरेंशिएशन के. समझे? यस. अब अगला काम क्या करें? इतना तक सब लिख लिया सब? यस सर. नहीं सर एक मिनट रुकिए. लिखिए थोड़ा तेजी से.
यस सर हो गया सर मिटा देना यस सर बोलना आप ही लोग को बोलना चाहिए चलिए क्यू एनक्लोज्ड ये रहा अब ध्यान दीजिए हम इसी का यूज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया और जो भी हम निकाले हैं किस डिस्टेंस के लिए निकाले हैं फॉर आर ग्रेटर देन आर कैपिटल आर क्योंकि अंदर में तो ऐसे भी कोई चार्ज है यहाँ पे देखो किस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा स्फेरिकल बाउंड्री के अंदर में फील्ड क्या होगा यहाँ पे जीरो जीरो अच्छा क्यू एनक्लोज्ड कैपिटल क्यू प्लस टू पाई ए स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर ये इसमें किसी को एतराज ये आया कि नहीं क्यू एनक्लोज्ड के बदले ये सारा वैल्यू डाल दीजिए जो निकाले थे डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्लियर है यस यस सर देखिए तो कितना आया 2 pi a small r square by 4 pi epsilon naught r square minus 2 pi a capital r square by 4 pi epsilon naught small r square ये आया कि नहीं एक एक करके देखिए तो ये बीच वाला टर्म देखिए गौर से small r square कैंसिल आउट हो गया पहला टर्म कितना है k Q by small r square. दूसरा वाला टर्म बीच में क्या है A by epsilon, 2 by epsilon. नहीं नहीं पाई पाई भी तो कट गया A by 2 epsilon. आखिरी वाला टर्म क्या है K 1 by 4 square by K 2 by A capital R square by है कि नहीं Yes sir. देखिए आप क्या चाहते थे कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाए मैग्नीट्यूड वाइज क्या बन जाए कांस्टेंट की वेरिएबल सो कांस्टेंट जब तक ये स्मॉल आर स्क्वायर रहेगा तब तक ये एक्सप्रेशन क्या माना जाएगा वेरिएबल तो वेरिएबल ना रहे उसके लिए कौन कौन टर्म को आपस में कैंसिल आउट हो जाना चाहिए पहला और तीसरा लास्ट वाला पहला और तीसरा कैंसिल आउट होगा तभी स्मॉल आर स्क्वायर नहीं आएगा एक्सप्रेशन में तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा क्लियर हो रहा है यस सर इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए एज पर द एग्जामिनर क्या हो जाना चाहिए के क्यू मस्ट बी इक्वल टू क्या के इंटू टू पाई ए कैपिटल आर स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं दोनों का न्यूमरेटर बराबर हो जाना चाहिए yes, sir. K कट गया तो Q का वैल्यू कितना आया 2 पाई आर क्या सर 2 पाई आर स्क्वायर मतलब आपको कितना चार्ज बाउंड्री पे सजाना था यूनिफॉर्मली 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर यस सर यस सर सर हम डिफरेंशिएट कर दिए तो उससे यही आंसर आ रहा था हाँ कोई दिक्कत नहीं लेकिन उतना करने का जरूरत कहाँ है आपको तो काम यहीं पे दिख रहा है ना हाँ सर ये क्लियर हो गया सबको यस सर यस सर कौन और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस बाउंड्री के बाहर हर जगह रेडियली डायरेक्शन में a by 2 epsilon naught हाँ a by 2 epsilon naught ये समझ में आ गया होगा सबको क्लियर है यस सर यस सर आगे बढ़ जाएं फिर एक चल हो गया अभी तक कितना सवाल हुआ अभी तक इसको काउंट करके आज हाँ सर चार शायद चार यस सर चार हुआ पांचवा लीजिए
देखिए सिलिंड्रिकल सिमेट्री हुआ था नहीं ना? नो सर। ये देखिए ये एक कैसा चार्ज है? इनफाइनाइट रॉड। इनफाइनाइट रॉड हाँ, लाइन चार्ज है। इनफाइनाइट लाइन पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हर जगह? लैम्डा कूलम पर मीटर। और हमको डी डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब आप ही बताइए, तो आप ही बताइए कि अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे चारों तरफ, चारों तरफ आइडेंटिकल सिनेरियो है कि नहीं है? यस यस सर है। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ होगा वही चारों तरफ एक पर्टिकुलर दूरी पे होना चाहिए कि नहीं? यस यस सर। तो कौन सा सिमेट्री कहलाता है इस तरह का सिमेट्री? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल ये बात डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में? यस सर। सिलेंड्रिकल सिमेट्री मतलब अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उससे डी डिस्टेंस पे चारों तरफ कैसा सिमेट्री एग्जिस्ट करता है? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे जो भी फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड नहीं, वो कैसे पता करेंगे? गॉस लॉ डायरेक्शन बताने में मदद नहीं करता। नहीं करता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज का छोटा सा टुकड़ा लिए, टुकड़े की वजह से यहाँ पे फील्ड क्या होगा? ऐसा होगा? यस सर। इसी का एक साथी नीचे है, इस टुकड़े की वजह से यहाँ पे फील्ड क्या होगा? ऐसा होगा? होगा कि नहीं? इसकी वजह से पेयर बाय पेयर सारे वेक्टर्स को जोड़िएगा तो किधर आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर की तरफ आएगा ना? यस सर। अच्छा, तो इनफैक्ट चारों तरफ घूम जाइए इससे, चारों तरफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फील्ड किधर की ओर आएगा? इधर की ओर आएगा कि नहीं? उसी लॉजिक से। तो इनफैक्ट चारों तरफ, चारों तरफ अगर आप बात कीजिएगा तो इस तरह से होगा कि नहीं? फील्ड इस तरह से, इस तरह से। यस सर। यस सर। ऐसे फील कर पा रहा है रेडियल? अच्छा, जब ऐसा हो तो देखिए कैसे निकाला जाता है फील्ड। देखिएगा, जहां पे फील्ड चाहिए था वहां से होता हुआ है क्या बनाइए? वहां से होता हुआ है क्या बनाइए? सिलेंडर। सिलेंडर। सिलेंडर बनाइए। क्लियर है? सिलेंडर बना लिए। गॉस कहते हैं कि सिलेंडर कैसा होना चाहिए? नहीं, कोई भी सरफेस, गॉस गॉस लॉ के हिसाब से कोई भी सरफेस जो आप बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड की ओपन? क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड। तो ऊपर से भी ढक्कन से ढक दीजिए, समझ आ रहा है? नीचे से भी, ताकि ये पूरा जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस प्लस टॉप सरफेस प्लस बॉटम सरफेस मिलके ये कैसा सरफेस बन गया? क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड। अब आप ही बताए थे कि यहाँ पे हर जगह फील्ड कैसा है? यहाँ पे हर जगह फील्ड आउटवर्ड। क्लियर है? क्लियर है ये? ऐसा होगा ना? यस सर। यस सर। अच्छा, और नॉर्मल टू द सरफेस भी यहाँ पे किधर होगा? नॉर्मल इधर ही होगा क्या? जीरो डिग्री। यस सर। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली इधर भी बनाएंगे। तो मेरा कहानी क्लियर है कि
कि गॉस लॉ लगाने जा रहे हैं, ठीक है। E dot ds ds बराबर q enclosed by epsilon naught। Let us say सिलेंडर का लेंथ कितना ले लिए, l l e ds, और कर्व सरफेस पे हर जगह E dot ds कीजिएगा तो cos कितना आएगा, cos आएगा कर्व सरफेस चारों तरफ। Yes, मजेदार बात यह है कि जो टॉप सरफेस है उसका नॉर्मल किधर है, ऊपर ऊपर है, और यहाँ पे फील्ड किधर है, तो उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ अगर टॉप सरफेस के ऊपर में ई डॉट डीएस कीजिएगा तो कितना वैल्यू निकल के आए, जीरो जीरो जीरो। और बॉटम सरफेस के अगर ई डॉट डीएस कीजिएगा तो जीरो जीरो। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ E dot ds कौन सा सरफेस पे बचेगा, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस बराबर q enclosed by क्या करें, epsilon epsilon। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नो सर। E कहां आ जाएगा, E कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और अंदर में सिर्फ क्या बच जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, ds। कितना चार्ज इनक्लोज है यहाँ के अंदर में, लैम्डा इनटू l लैम्डा बाय एप्सिलॉन। पता ही तो ये ds ds को जोड़ेगा, ds 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 तो कौन सा सरफेस एरिया मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r l। r के बदले यहाँ पे क्या लिखना होगा, d d L L कट गया, E का वैल्यू कितना आया देखे तो आया आया कि नहीं, yes yes मतलब इनफाइनाइट लाइन चार्ज से d दूरी पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यदि लैम्डा पॉजिटिव है, और यदि लैम्डा नेगेटिव है तो फील्ड किधर के होगा, अंदर के, रेडियली आउटवर्ड की इनवर्ड, इनवर्ड सर सर हाँ रेडियली इनवर्ड क्या सर, जो जीरो जीरो लिखे वहां पर बताइए हम सर, जो जीरो जीरो लिखे वहां पर ये, यस सर, गॉस लॉ पूरे पूरे क्लोज सरफेस पे लगाया जाता है, यस सर। तो क्लोज सरफेस यानी पूरा पूरा क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस कौन कौन सा तीन टुकड़ा से मिलके बना है, एक कर्व सरफेस, यस सर, एक टॉप सरफेस, और एक बॉटम बॉटम सरफेस। टॉप सरफेस पे एरिया का नॉर्मल किधर है, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच, 90, cos 90 कितना होता है, अगर टॉप सरफेस पे E dot ds करते तो क्या, जीरो, और बॉटम सरफेस पे E dot ds करते तो क्या होता, जीरो। तो सिर्फ सिर्फ कौन बचता, कौन से सरफेस वाला E dot ds बचता, कर्व सरफेस एरिया, सीएसए, समझ में आ गया होगा, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड आया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ऊपर नीचे 2-2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, क्यू होता है, तो कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 के लैम्डा बाई डी, ठीक है, ठीक है ना, यस यस सर। लिख लीजिए जल्दी, फिर अगला सवाल पे बढ़ते हैं, दो तीन सवाल, तीन चार सवाल और हो सकता है, अभी इतना समय है। सर लिख लिए, सर हो गया सर, मिटा देना, यस सर।
ये क्या है बताइए? इनफिनाइट सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर। और पूरे सॉलिड मतलब कि और इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। तो मतलब कहां तक ये जाएगा? ये ऊपर इनफिनिटी। समझ आ गया? ये एक्सिस ऑफ क्या कहलाता है? ये लाइन ऑफ साइट। नहीं नहीं एक्सिस ऑफ क्या कहलाता है? ये सिमेट्री। सिमेट्री ठीक है। और ये रेडियस सॉलिड सिलेंडर का कितना है? कैपिटल आर। कैपिटल पूरे वॉल्यूम में, अंदर में पूरे वॉल्यूम में क्या बटा हुआ है, कितना चार्ज फैला हुआ है पूरे वॉल्यूम में, पूरा पूरा इंफिनिटी तक? रो। रो कूलम पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब पूरा चार्ज फैला हुआ है। रो कूलम पर मीटर क्यूब फैला हुआ है। हमको चाहिए फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सिस से कितने दूरी पे? स्मॉल आर। आर अब दोनों केस से याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर और फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल। सर किसी का माइक ऑन है क्या? किसी का माइक ऑन है सर, बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। माइक ऑफ कर लीजिए बाबू सर, अब ठीक है ना? यस सर। आप लोग फिर से अपना जे बैच वाले बच्चे एक बार अटेंडेंस बना के देखिए तो 4353 करके। सर उस टाइम बनाया था तो ओटीपी सबमिट हो गया था। हो गया था यस सर, लेकिन अटेंडेंस हिस्ट्री में नहीं आ रहा है। हाँ ऐसा कुछ हमको भी वही दिखा रहा है। दिखाया था क्या सर? सक्सेसफुली अपडेट दिखा दे रहा है लेकिन हिस्ट्री में नहीं आ रहा है। हाँ कुछ ऐसा अपडेटेड दिखा रहा था लेकिन। ठीक है आप लोग अपने तरफ से अटेंडेंस मार्क कर दिया ना 435? ठीक इसका वैल्यू बता रहे हैं क्या? किसका वैल्यू बता रहे हैं? बताइए तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा सिमेट्री एग्जिस्ट करता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री के चारों ओर कौन सा सिमेट्री एग्जिस्ट करता है? सिलेंड्रिकल सिमेट्री करता है ना? यस। आंसर आया है बताइए क्या? चेक कर लीजिएगा तुरंत। ये देखिए सबसे पहले हम बना रहे हैं गॉसियन सरफेस।
गॉसियन सरफेस किस नेचर का होना चाहिए? क्लोज्ड। क्लोज्ड। और क्लियर है, ऐसा कुछ होगा? यस सर। फिर से वही क्लोज्ड कर देते हैं, ये क्लोज्ड हो गया, ये क्लोज्ड हो गया, फिर वही राम कहानी होगा कि नहीं? हर जगह फिर कैसा होगा? बाहर की तरफ बाहर होगा ना? यस सर। अब क्या करेंगे? E डॉट ds बराबर q enclosed। मान लीजिए सिलेंडर का लेंथ l है और इसका रेडियस स्मॉल r, कितना चार्ज enclosed होगा? रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर एल। अब ये हो गया। अगला कहानी ई डॉट डी एस कर्व सरफेस के लिए ये हो जाएगा कि नहीं? यस। अब भैया कर्व सरफेस के लिए इधर नॉर्मल है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डी एस ऐसा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। लेकिन ऊपर वाला सरफेस के लिए डॉट डीएस क्या हो जाएगा? जीरो। और नीचे वाले के लिए? जीरो। जीरो। तो ये हो गया कि नहीं कहानी? ये कर्व्ड सरफेस का डीएस डीएस को जोड़िएगा तो कितना निकल के आए? टू पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया होता है टू पाई आर एल, ये हो गया रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए फिर एल एल क्या हो जाएगा? कैंसिल। कैंसिल। पाई पाई कैंसिल। कितना आया देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर। यस सर। आया। यस सर। अगर यही रिजल्ट हम इसके लिए पूछे होते तो क्या करते? R को रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले कि ये सिलेंडर यहाँ ना बन के कहाँ बनता? पहले ये लिख लीजिए, पहले ये लिख लीजिए, पहले ये लिखिए तेजी से, लिख लीजिएगा तो तुरंत बोलिए कि हम लिख लिए। लिख लिए। नो सर। लिख लिए सर। चलिए 15 सेकंड 20 सेकंड का टाइम है, लिख लीजिएगा तो नहीं लिखा। लिख लिया सर। लिख लिया ना? चलिए। यस सर, हो गया। अब यहाँ ध्यान दें, अगर आप बाहरी सरफेस का जानना चाहिएगा बाहर, तो गॉसियन सरफेस अंदर नहीं बना के कहाँ बनाना होगा? बाहर। जहां पे आपको फील्ड जानने का जरूरत होता है वहां से होता हुआ आपको गॉसियन सरफेस बनाना होता है। समझ में आया ये चीज? समझ में आ गया? ये रहा गॉसियन सरफेस और फिर वही लॉजिक, हर जगह फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड। इस तरह से होगा E डॉट ds बराबर q enclosed। बताइए तो अब कितना चार्ज enclosed होगा? अगर ये सिलेंडर का लेंथ l है, q enclosed कितना होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर l इंटू रो। रो इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर l होगा कि नहीं? क्योंकि इतना ही पोर्शन तक चार्ज, कितने पोर्शन तक? इतना ही पोर्शन तक है ना? Yes, sir. तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर एल होगा ना, इतना पोर्शन का। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गुने वॉल्यूम बाय एप्सिलॉन। अगला काम क्या होगा? ई डी एस कौन सा पोर्शन पे आपको करना है? कर्व सरफेस, क्योंकि बाद बाकी तो जीरो हो जाएगा।
फिर ई कहाँ आ जाएगा, बाहर आएगा? यस सर। फिर कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा? 2πRL। कितना आ जाएगा? रो आर स्क्वायर बाय 2 आर एप्सिलॉन। छोटा आ आएगा? यस आएगा कि नहीं? यस yes, सर। सर ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या? हाँ सर ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हाँ ये इससे पहले वाला अभी जो इनर पॉइंट के लिए निकाले थे और ये दोनों ही क्या है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लेकिन देखिए लोग जनरली इस रिजल्ट को याद करता नहीं है, वो तुरंत 2 मिनट में तुरंत क्या कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है। हाँ। उसको गॉस लॉ पता है तो इतना थोड़ी लिखेगा वहां पे सजा के, तो सीधे कौन सा स्टेप पे सीधे उतरे, कौन सा स्टेप? आखिरी वाला। आखिरी वाला तो ये लिखने में कितना देर लगता है? 15 सेकंड 20 सेकंड। Yes, बच्चा याद नहीं रखता। अच्छा एक मिनट सर, अब मत कीजिए। ठीक ठीक ठीक। आगे बढ़े हैं? यस सर, हो गया। देखिए एक चीज यहाँ पे जरूर पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो बताइए तो जब तक आप अंदर थे उस समय फील्ड क्या आया था? यस सर। यस सर। तो ये इस फॉर्मेट का नहीं है, वाई बराबर एम एक्स फॉर्मेट का, देखिए ऐसा होगा भाई। बस एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? आर प्ले कर रहा है। और एम का रोल कौन प्ले कर रहा है? रो टू एप्सिलॉन नॉट। तो वाई बराबर एम एक्स का कर्व ऐसा ही ना बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसा कब तक होगा जब तक कि आप किस दूरी पे नहीं पहुंच जाएंगे? कैपिटल आर। इसके बाद, इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है? ऐसे देखें तो ई का काम वाई कर रहा है, सम कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या है, स्मॉल आर है, ये है कि नहीं? ये यस सर। ये R का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, या X का रोल कौन प्ले कर रहा है? R कर रहा है। तो एक्स वाई बराबर सम कांस्टेंट, कैसा वेरिएशन बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा इसके बाद? एक्स वाई बराबर सम कांस्टेंट नहीं दिखा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रूट सी का स्क्वायर है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनेगा कि नहीं? यस सर। तो ये सब चीज पूछ सकता है, गौर से देखिए, दिख रहा है ये वेरिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस? समझ में आ गया? ऐसा दे देगा। मिटा दें? यस सर। तो ग्राफ हेड मन नहीं मिटा दिएगा, बताइए इस ग्राफ को देख के किस लोकेशन पे ये ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है? सर आर पे। आर पे, आर पे। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी। मिटा दें अब, इधर वाला तो मिटा ही सकते हैं।
ये तो मिटा सकते हैं ना ये सब। यस अब आखिरी कौन सा बचा है बताइए। इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट प्लेन वाला चर्चा बचा हुआ है ना। वो चर्चा करने से पहले एक सवाल हम आपको दिखाना चाहते थे। अभी सॉलिड सिलेंडर वाला याद है जो सॉलिड सिलेंडर दिए थे? यस सर। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल बन जाएगा। ये क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ये कहां तक एक्सटेंड करेगा ये सॉलिड सिलेंडर? इनफिनिटी। इनफिनिटी ये कहां तक करेगा? इनफिनिटी। और रेडियस है कैपिटल आर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत एक पतला सा क्या बना दिया गया है थ्रू आउट द सिलेंडर, क्या बना दिया गया पतला सा होल, टनल बोल दिए, टनल बोल सकते हैं ना? यस सर। एक बहुत पतला सा टनल, इतना पोर्शन हटाए हैं कि इससे नेट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल्का फुल्का एक लेयर हटा दिया, एक लेयर हटाने से इसके चार्ज टोटल चार्ज पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इससे टोटल चार्ज पे? नो सर। और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? ध्यान से सुनिए, एक्सिस से दूरी यहां पे कितना है? यहां पे एक्सिस से दूरी कितना है? जीरो। इस पॉइंट का एक्सिस से दूरी कितना है? कुछ नहीं है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था, याद है? जीरो। अंदर के लिए ना, लाइक अंदर के लिए किसी भी दूरी पे अंदर के लिए वही सब बता रहे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम क्या किए कि एक पॉइंट चार्ज, निगेटिव पॉइंट चार्ज कहाँ पे रख दिए, कितना दूरी पे हम रख दिए? डी दूरी पे। डी दूरी। और नेगेटिव पॉइंट चार्ज का मास कितना है? एम। एम बताइए, तो नेगेटिव चार्ज को यहां रखेगा तो दूर फेंकाएगा कि पास खिंचाएगा? पास। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो कहां फेंकाता, किधर होता फील्ड, मतलब किधर फेंकाता? यहां पे फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते तो बाहर फेंका, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखते तो किधर फेंका? फील्ड के किस डायरेक्शन? फील्ड के अंदर जाता, फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में। यानी माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रखिएगा तो अंदर की ओर फेंकाएगा, ठीक है? यानी कि इस माइनस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा इस माइनस क्यू चार्ज पे? EQ। जितना यहाँ पे फील्ड है, फील्ड क्या बताता है? एक कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स। यस सर। तो पूरा पूरा माइनस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा? सर रो आर क्यू बाय टू एप्सिलॉन। पर पहले ऐसे लिख दीजिए, क्यू इनटू ई, जो यहाँ पे चार्ज होगा, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करने तो वही ना फोर्स लगेगा इस माइनस क्यू पे। यस सर। अच्छा, और फोर्स बाहर की तरफ लगेगा कि अंदर की तरफ? अंदर की तरफ। तो क्या साइन लगा देना चाहिए? माइनस साइन। अच्छा, अब फील्ड का वैल्यू लिखिए कितना है, रो इनटू कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे, एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे, इन जनरल लिख रहे हैं, इन जनरल कितना लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स। यस सर।
कोई भी एक निगेटिव चार्ज रख देंगे एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे, तो उस निगेटिव चार्ज कितना फोर्स लगेगा और एक्सिस की तरफ लगेगा। क्या सारे बच्चे को इसमें कोई एतराज है? नो सर। नो सर नहीं है। इससे क्या पता चला कि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस निगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्स। एक्स एक्स है कि नहीं? एक्स के प्रोपोर्शनल भी है और किसकी तरफ डायरेक्टेड है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, मिड पॉइंट, सेंटर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। और इनफैक्ट इस सी पे फील्ड का वैल्यू क्या था? इस सी पे फील्ड का वैल्यू क्या था? जीरो। तो यानी यहां फोर्स कितना लगता है इस नेगेटिव चार्ज पे? यहां पे जीरो। जीरो मतलब ये सी कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन है। इसका मतलब आप शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं कि अगर मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस दूर कोई नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो किसकी तरफ खींचाना चाहे? सेंटर, मीन पोजीशन की तरफ। मीन पोजीशन की तरफ। और जो फोर्स लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। दिस इंप्लाइज दैट मोशन क्या होगा? SHM होगा। मोशन क्या होगा? SHM होगा कि नहीं? हाँ कि ना? यस सर। यस सर। मोशन SHM है। तो अगला सवाल क्या बनेगा फिर? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। और दूसरा सवाल पोजीशन है जो फंक्शन ऑफ टाइम। 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 बताइए ये आज का आखिरी सवाल, जल्दी बनाएं। सर टाइम पीरियड होगा 2π√2εo/π। टाइम पीरियड क्या होगा? उसके लिए सीधा बात है, फोर्स इतना है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो कितना हो गया? इतना हो गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के एक्सप्रेशन में एक्स का जो साथी होता है वही ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर होता है ना। देयरफॉर टाइम पीरियड कितना होगा? 2π बाय ओमेगा, यानी 2π अंडर रूट ऑफ, ये होगा कि नहीं? यस सर। तो इनिशियल पोजीशन क्या है हम लोग का पार्टिकल का? इनिशियल पोजीशन देखिए यहाँ पे, ये इनिशियल पोजीशन ही तो दिए हैं। यस। कितना है एक्सिस से कितने दूरी पे इनिशियल पोजीशन? सर डी डिस्टेंस पे। हाँ। और इनिशियली कैसे रिलीज किए हैं इस चार्ज को? कैसे रिलीज किए हैं? रिलीज फ्रॉम क्या? इनिशियली कोई वेलोसिटी दिए हैं? नो सर। रेस्ट में नेगेटिव चार्ज को सिर्फ छोड़ दिया है यहां रख। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया इसका? जीरो। इनिशियल पोजीशन डी हो गया। बताइए तो जो एसएचएम करता है उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स मीन बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा आपको ऑलरेडी पता है ना? पता ओमेगा? Yes. ओमेगा पता है। मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन एक्स बराबर क्या है? जीरो। तो ये भी पता है। तो क्या बन गया? ये बना ये इक्वेशन, हाँ कि ना? यस सर। इस एक्सप्रेशन में क्या क्या अभी आपको ढूंढना बाकी है? ए और फाइव। तो हम कैसे निकाले? इनिशियल जो जो सिचुएशन दिया है उसका सहारा लें। तो एट टी इक्वल टू जीरो उसका पोजीशन क्या है चार्ज पार्टिकल का? एक्स बराबर क्या है? टी इक्वल टू जीरो पे किस लोकेशन पे? एक्स बराबर डी। तो एक्स को डी रखिए, ए साइन टी को जीरो रखिए, तो सिर्फ क्या बचा? पाई। पाई एक इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन क्या है? वेलोसिटी। बताइए तो एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट कीजिए कितना हो जाएगा? ये होगा वेलोसिटी। यस सर। ये हो गया। लेकिन टी बराबर जीरो पे क्या है वेलोसिटी? टी बराबर जीरो पे इसका वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम नहीं, जीरो जीरो महादेव जीरो। और यहाँ टी बराबर जीरो रखिए तो कितना हो गया? टी बराबर जीरो रखिए तो ये बनेगा। ये दो इक्वेशन आया। यस।
बताइए कब जीरो बनेगा, कॉस फाइव को जीरो बनना होगा, कब बनेगा जीरो? फाइव जब फाइव पाई बाय टू होगा, पाई बाय टू या फिर माइनस पाई, पहला एक्सप्रेशन का देखिए, अगर फाइव पाई बाई टू लीजिएगा तो ए बराबर डी आएगा, और एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। और अगर फाइव गलती से माइनस पाई बाई टू ले लिए तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? और इसको आप चाहिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं? cos ओमेगा टी। समझ में आया सबको? यस सर। तो इसको फेजर डायग्राम से हम लोग बना सकते हैं? फेजर से तो ज्यादा आसान है, फेजर से मदद मिलता है जब दो तीन अलग अलग एसएचएम को कंपैरिजन करना होता है, तब फेजर मदद करता है, समझे, आसान करता है काम। यहाँ पे तो यहाँ पे फेजर क्या कीजिएगा, वही सर्कल बनाइएगा ना, उतना ही समय लगेगा, जितना समय यहाँ लगा है ना, कितना समय लगा है, एक मिनट? यस सर। उतना ही वहां लगेगा। तो इसको अगर जो सिंपल सिंपल है तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या सर? क्या जैसे ऐसा जो सिंपल सब है, जो मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हुआ है, सेंटर मीन पोजीशन उसका जीरो है, हाँ, डायरेक्टली लिख देंगे? डायरेक्टली कैसे लिख दीजिएगा? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड हम लोग का डी होगा और फाई हम लोग का पाई बाय 2 ही आना। सुनिए सुनिए, ये इसलिए बताया जा रहा है कि ऑलवेज आपको सिचुएशन देख के नहीं तुरंत पता चलेगा कि एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है। डी यहाँ ना दिख गया, हम जो टेक्निक बता रहे हैं वो सदा सदा के लिए क्या है, वैलिड है, नहीं समझे? यस सर। इसलिए हम हर चीज लिख देते हैं ताकि कहीं पे भी यूज कीजिए तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब तो यहाँ पता था कि एक्स मीन खुद क्या है, जीरो है, तो आप चाहते तो ये ना लिख के सीधे x बराबर क्या लिख सकते थे, d sin, लिख सकते थे d sin ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन वो नहीं है, पूरा लॉजिक बता दिया ताकि कहीं पे भी लिखने का ना बताए SHM का इक्वेशन, तो आप हमेशा ये जनरल मेथड याद रखें। हाँ तो ठीक है आज के लिए। यस सर। आगे का DPP भेज दीजिएगा ना। यस सर। कितने क्लास लगेंगे इससे कंप्लीट होने में? कौन सा से? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बाबू अभी तो आप शुरू हुए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो समंदर है अभी। सुनिए आपका पूरा क्लास ट्वेल्थ का जो जितना चैप्टर्स है ना उसमें सबसे बड़ा चैप्टर कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सही है, अभी तो आप समंदर में गोता लगा रहे हैं, उसी में पूछ रहे हैं कि कब खत्म होगा। का है बोरिंग लग रहा है क्या? नो सर। नो सर, बोरिंग नहीं लग रहा, इंटरेस्टिंग लग रहा। वजह सर फिर बुक्स से क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे। इसके बाद आपका डाइपोल है, बहुत सारा चीज, कैपेसिटर्स है, ये सबसे लंबा चैप्टर है। कंडक्टर से तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन सब इसके अंदर ही आ जाता है? नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, से तो कैपेसिटर इसके अंदर है। कंडक्शन का, कंडक्शन बहुत लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही क्या कर देते हैं, बेसिक चीज डाल देते हैं, कवर कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, ठीक है। गुड नाइट सर, थैंक यू। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।